चकदड़ी भी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं सिमी धालीवाल लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई देश विदेश दीआं खबरां। आओ नजर मारदे हां अज दीआं सुरखियां वल। बैबल कला गोलीकांड च होणगे वड्डे खुलासे, सुमेह सैणी ते सिट दा सिकंजा। अमृतसर तो कांग्रेस की मास्टर स्ट्रोक लगाउण दी तैयारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह अमृतसर तो लड़ सकदे ने लोकसभा चोण। भारत सीमा च दाखिल होने वाली पाकिस्तानी औरत की हुई मौत, गुरु नानक हस्पताल अमृतसर सी जेरे इलाज। जलंधर च हुई अकाली कांग्रेस दी पोस्टर वार। कांग्रेसी लीडर तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल 2019 दी चोणां नूं लैके कर रहे ने ड्रामा। हुण खबरां विस्थार नाल। बेअदबी ते बैबल कला गोलीकांड की पड़ताल कर रही विशेष जांच टीम के हाथ हुण पंजाब पुलिस के साबका मुखी DGP समेत सिंह सैणी तक पहुँच चुके हैं। SIT ने सैणी नूं पुछगिछ लई समन जारी किए हैं। SIT ने सैणी नूं चंडीगढ़ स्थित पुलिस हैडक्वार्टर विच पेश होने लई कहा है। कानून दे हाथ बहुत लंबे ने, यह हमेशा फिल्मां च सुनन नूं मिलदा सी, पर हुण इस ते यकीन भी हो गया। जी हाँ, यह असी इसलिए कह रहे हाँ क्योंकि पंजाब सरकार वलों गठित कीती सिट अपना काम कुछ इसे तरह कर रही है। सिट अपने हाथ लंबे कर बैबल कला गोलीकांड मामले दे आरोपी एक तो बाद एक कोल पहुँच रही है। हर रोज बैबल कला गोलीकांड मामले नूं लैके कोई ना कोई वड्डा खुलासा हो रहा है। पहला चरणजीत शर्मा की गिरफ्तारी, फिर उमरा नंगल दी, फिर सुखबीर बादल दी गिरफ्तारी दे संकेत, ते हुण वारी आई पंजाब पुलिस दे साबका मुखी DGP सुमेध सैणी दी। जी हाँ, बेअदबी ते बैबल कला गोलीकांड दी पड़ताल कर रही विशेष जांच टीम दे हाथ हुण पंजाब पुलिस दे साबका मुखी DGP सुमेध सैणी तक भी पहुंच गए हैं। SIT ने सैणी नूं पुछगिछ लई समन जारी कर दिते ने। समन जारी होने की खबर साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वल्लों गिरफ्तारी की पेशकश किए जाने तो कुछ समा बाद ही बाहर आ गई। SIT ने सैणी नूं चंडीगढ़ पुलिस हैडक्वार्टर 25 फरवरी नूं पेश होने लई कहा है। DGP सुमेध सैणी इस मामले विच सब तो उच्च अधिकारी हैं जिन्हां तो SIT पुछगिछ करेगी, जिस दे नाल बैबल कला ते बरगाड़ी कांड च बड़े खुलासे हो सकते ने। अमृतसर तो कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी च है। जी हाँ, साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमृतसर सीट तो कांग्रेस लई लोकसभा चोणां विच खड़े हो सकते ने। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस दे लई एक प्रस्ताव पार्टी प्रधान राहुल गांधी नूं भेजा है, पर अकाली दल ने कांग्रेस दे इस फैसले ते जम के वार किते। एक खबर आ रही ने कि साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमृतसर सीट तो कांग्रेस लई लोकसभा चोण विच खड़े हो सकते ने। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस दे लई एक प्रस्ताव पार्टी प्रधान राहुल गांधी नूं भेजा है। पंजाब दे कांग्रेस मंत्रियां ते विधायकां ने इस दा स्वागत किया है। मुझे ये नहीं पता उस प्रस्ताव में क्या है, मैंने आपसे सुन रहा हूँ कि पार्टी ने प्रस्ताव भेजा है, अगर भेजा है तो बहुत अच्छा किया है। सरदार मनमोहन सिंह जी, हम चाहते हैं कि पंजाब में आए और इलेक्शन लड़े, अमृतसर से इलेक्शन लड़े। उनके इलेक्शन लड़ने से सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, और मैं भी जाती तौर पर भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे पंजाबियों की ये ख्वाहिश है कि वो अमृतसर से इलेक्शन लड़े। उथे अकाली दल ने कांग्रेस दे इस फैसले ते जम के वार किते। अकाली दल दे विधायक बिक्रम मजीठिया ने कहा कि जदों कांग्रेस पंजाब विच फेल हो जाती है तां डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं अग्गे कर दिंदी है, तो उस डर के मारे इनको अपने पंजाब कांग्रेस जो है अपनी फेलियर्स को छुपाने के कारण आज फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आसरा लेना चाह रहे हैं, मगर लोग बहुत हैं। क्या आपको लगता है कि कैंडिडेट की भी कमी है, क्योंकि पिछली बार तो खुद के तो स्वाभाविक ही है जी, ऑटोमेटिक होते। देखो, जब प्रियंका गांधी को आगे ले आना तो ऑटोमेटिक एडमिशन होगी कि राहुल गांधी इनकेपेबल, किसी और को अमृतसर से आगे ले आना ऑटोमेटिक एडमिशन होगी कि हमारे पास अमृतसर में कोई कैंडिडेट नहीं, ना हमने झूठ इतना बोला, हम जा ही नहीं सकते लोगों के पास, ये तो ऑटोमेटिक है। सर, आज जो आपने प्रोटेस्ट किया था बिजली के बिलों को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखो, दुख इस बात का है कि हमको हाउस के अंदर जाने से रोका कर, अगर दलित भाईचारे की आवाज़ उठाओ, बैकवर्ड की उठाओ, जो इतने बड़े मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, फिक्स चार्जेज लग गए, पक्का बरतो ना बरतो, बत्ती जलाओ ना जलाओ, बिल आएगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। हजारा करोड़ रुपया के बिल, 10-12 हज़ार करोड़ बत्ती से एक्स्ट्रा रेट बढ़ा के 13 बारी रेट बढ़ाए गए हैं, सबसे महंगी बत्ती पंजाब में है, और इस फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं,
उन हालात के अगर इशू उठाने जाओ तो आपको अंदर विधानसभा के अंदर नहीं जाने देंगे। मगर मैं अपने MLA को बधाई देना चाहता हूँ कि लोगों के मुद्दे के ऊपर जैसे मर्जी हो हिम्मत से अंदर घुसे और लोगों की आवाज़ उठाई है। और सरकार जो चोर मोरी रही, बजट में कहते हैं नो टैक्सेस, चोर मोरी रही जो टैक्सेस लाए हैं, बत्ती के रेट 22-23% बढ़ा दिए। गुरदासपुर के सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक दी बसंतर बॉर्डर पोस्ट तो घुसपेट कर दी पाकिस्तानी औरत नूं BSF दे जवानों ने काबू किया। घुसपेट कर दी औरत नूं जवानों दे वल्लों रुकन दी वार्निंग दी गई सी, पर औरत ना रुकी ते जवानों ने फायर कर दिते। फायरिंग च औरत जख्मी हो गई सी, जिसकी गुरु नानक हस्पताल अमृतसर च इलाज दौरान मौत हो गई। बीते दिन BSF के जवानों ने गुरदासपुर के सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक दी बसंतर बॉर्डर पोस्ट तो घुसपेट कर पाकिस्तान के वलों भारत सीमा में प्रवेश कर दी एक पाकिस्तानी औरत को काबू किया, जिसकी मौत हो गई है। इत तुहानू दस दिए कि जवानों ने जदों दाखिल होंदी पाकिस्तानी औरत नूं देखिया तां जवानों वल्लों औरत नूं रुकन दी वार्निंग दित्ती गई सी, पर औरत नहीं रुकी, जिसके चलते BSF दे जवानों ने राउंड फायर कर दिते। घुसपेट कर दी औरत फायरिंग च जख्मी हो गई सी, जिसनूं BSF दे जवानों वल्लों सिविल हस्पताल विच ले जाया गया सी, पर नाजुक हाल के चलते उसनूं अमृतसर रैफर कर दिता गया सी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। भी तरीक में एक औरत ही पाक वाली साइड तो रात के समय एंटर हो रही थी बॉर्डर क्रॉसिंग करके, वो BSF ने उन्होंने वार्न किया ही, उन्हें रात में हिट किया तो गोली लगी औरत ने, उदम भी जख्मी सी, उन्होंने गुरु नानक देव हस्पताल रैफर किया है अमृतसर इलाज वास्ते, तो दौरान इलाज की मौत हो गई है। ये संबंध में मुकदमा नंबर 14-19 IP तहत दर्ज होया है। बाकी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपनी गिरफ्तारी करवाने लई चंडीगढ़ पहुंचने के मामले ते कांग्रेसी लीडर तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल 2019 दीआं चोणां करके ड्रामा कर रहे हैं, ते बादल साहब नूं हुण हर गल ड्रामा ही लगती है। बाजवा ने प्रकाश सिंह बादल तो सवाल किया कि जो सिट बादल साहब ने बनाई सी की हो ड्रामा सी। खुद साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपनी गिरफ्तारी देने लई चंडीगढ़ पहुंचे सी, जिथे प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस सरकार ते गंभीर दोष लगांदे हुए कहा सी कि कांग्रेस वल्लों बनाई सिट एक ड्रामा है, ते कैप्टन साहब दा सिर्फ इको निशाना है बादल परिवार नूं जेल भेजना। तां प्रकाश सिंह बादल दी इस गल ते प्रतिक्रम दिंदे हुए कांग्रेस लीडर तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने बादल साहब ते तिखे वार किते। उन्होंने कहा कि बादल साहब नूं हुण सब गल्लां ड्रामा ही लगदियां ने। देखो बादल साहब नूं हुण हर गल ड्रामा लगदा, बादल साहब दी इन एक्शन करके ये सारा कुछ हो रहा। बाजवा ने कहा कि जदों बैबल कला दा मामला उठिया सी तां बादल साहब कोल 1.5 साल दा समां सी, उन्होंने जज भी नियुक्त किया सी, जज ने रिपोर्ट भी दित्ती सी, पर ओह रिपोर्ट जनतक क्यों नहीं कीती गई। बादल साहब इन्हां गल्लां दा जवाब देण। इन एक्शन करके ये सारा कुछ हो रहा। जदों बैबल कला दा मसला उठिया, मुक्तसर दा मसला उठिया, उहदे पिछों बादल साहब कोल 1.5 साल सीगा। 1.5 साल दे विच उन्हां इक जज भी नियुक्त किया, उस जज ने रिपोर्ट भी दी। बादल साहब ने पूछना और रिपोर्ट क्यों नहीं छाया की, और रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं हुई। बादल साहब ने एक सिट भी बनाई सी, उस सिट की एक मीटिंग भी नहीं हुई। बादल साहब इन्ना गलों का जवाब दे दे। बादल साहब को पता भी सियासी सिट नहीं बनती होंगी, सिट अफसर की बनी है, उसका काम चल रहा वधिया तरीके चल रहा, जिदे खिलाफ़ भी सबूत मिलेगा उहदे ते एक्शन होएगा। असी तो कदे प्रकाश सिंह बादल जी का जां किसी होर का नाँ नहीं लिया। उन्होंने कोई वहम जां यकीन हो सकता जां उन्होंने अंदर पता होगा भी उन्होंने कुछ किया। बाजवा ने कहा कि जिसके खिलाफ सिट नूं सबूत मिलेगा उसते एक्शन होगा। तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने यह भी कहा कि असी तो किसी का नाँ भी नहीं लिया, मैं प्रकाश सिंह बादल का सतिकार करता हाँ, पर की जो सिट बादल साहब ने बनाई सी वह ड्रामा नहीं सी। बादल साहब लोग सभा 2019 दीआं चोणां नूं लैके यह ड्रामा कर रहे ने। ये जो सिट च कोई सबूत होगा तो ही है, कोई 19 करके नहीं असी कर रहे। 19 करके तो बादल साहब ड्रामा खेल रहे, असी 19 करके नहीं कर रहे। असी जोड़े वायदे किए सन, बरगाड़ी जाके कैप्टन साहब जो गए सी, जो धरना लगा असी कैप्टन साहब ने वायदा किया असी इदा दोषी फड़ांगे,
तो सारा एक्शन करा दोषी फड़े जा रहे हैं, जो कोई होर भी दोषी सामने आऊगा तो उन्होंने भी फड़ा। जे असी जे कोई कोई ऐसी गल नहीं कार्रवाई नहीं कर रहे, इन्हों अज चेता आ गया, कार्रवाई चल रही है, वह भी इनकुआरी चलती पी है, जो कोई कसूरवार सामने आएगा किसी का लिहाज नहीं करा। प्रकाश सिंह बादल जी सत्कारयोग है, पता नहीं उनको कहाँ से ये ख्याल आया कि मुझे गिरफ्तार करेंगे, तो कहता मैं गिरफ्तारी देने आ गया हूँ, मुझे तो ये ड्रामे की समझ नहीं लगी। मगर बादल साहब को जो करना चाहिए था वो बादल साहब ने अपने समय में नहीं किया। बरगाड़ी इंसिडेंट के बाद बादल साहब के पास 1.5 साल था, जिस 1.5 साल में बादल साहब ने एक एक्शन रिएक्शन भी नहीं किया। बादल साहब ने एक जज अपॉइंट किया ज्योरा सिंह, उसने रिपोर्ट भी दे दी सरकार को, मगर बादल साहब ने वो रिपोर्ट कहीं छाया नहीं की। बादल साहब ने उस मसले के लिए एक सेट भी बनाई, उस सेट ने एक भी मीटिंग नहीं की। अगर बादल साहब ने जब सैनी साहब ने कुछ काम किया होता, आज सैनी साहब कहते हैं कि बैबल कलां की गोली गलत चली है, तो फिर सैनी साहब 1.5 साल में उस गलत को आपने कैसे किया, क्या किया उसका? आप ये समझते हैं कि उंगली उनके तरफ उठ रही है, तो शायद उनकी भी बारी आ जाए, तो उससे पहले ही ड्रामा करके मैं आ गया हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। अगर कोई सबूत होगा, जिसके खिलाफ भी सबूत होगा, शायद उनको गिरफ्तार करना ही पड़े। मैंने कब कहा गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा। आप बादल साहब को क्यों ऐसा ना हो, जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेगा, अगर मेरे खिलाफ सबूत मिलेगा मुझे भी पकड़ सकते हैं, जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा, सिट के पास जो सबूत आएगा उसको उस पे एक्शन होगा। आप पार्टी ने विधानसभा चो बजट सैशन के दौरान 7वें दिन फिर हंगामा कर वॉकआउट कर दिता। वॉकआउट करने का कारण यह सी कि आप ने स्पीकर तो मांग की सी कि उन्होंने मौड़ मंडी धमाके से बहस करने की इजाजत दी जाए, पर स्पीकर ने मना कर दिता, जिस कारण आप ने वॉकआउट कर दिता। आप दे नाल ही आप तो बागी हुए जगदेव सिंह कमालू ने भी इस मामले नू लैके वॉकआउट कर दिता। 2017 दी चोणां दे विच मौड़ मंडी दे विच एक बहुत ही गिणी मिथी शासधीन चोणां जितण लई एक किसी पार्टी वालों बंब ब्लास्ट किया गया, जिहदे विच पंज छोटे छोटे बच्चे खेडदे बच्चों समेत 7 जानां चलिया गईआं ते तकरीबन 25 लोग गंभीर फटड़ हो गए। पर सरकार ने उस टाइम वादा किया सी कि जे सरकार बन गई साडी ते 5-5 लाख रुपया जख्मियों नूं दिता जाऊ, ते उस तो बाद इहदी जांच करा के दोषियों नूं फाहे टंगांगे। भरावो बड़े दुख की गल है कि 2 साल हो गए अज, ते 2 साल दे विच 31 जनवरी 2017 नूं इह वाकिया होया सी, ते कई बार असीं उत्थे प्रदर्शन कर चुके हाँ। 4वीं-5वीं विधानसभा च मैं हर बार ये मुद्दा उठाउणा कि क्यों नहीं उह जांच सिरे लग रही, क्योंकि वो लोगों नूं पुछो, असी तां चोणां जित जांदे आ जां हर जांदे आ, चोण दा एक तमाशा वेखण लई आउंदे आ, पर वह लोग जिन्हां दा एक एक बच्चा सी इस दुनिया तों चलिया गया, उन्हां दा दुख दर्द देखो किन्ना भैड़ा हो। ते सरकार ने अजे तक जदों वह जांच जिहड़ी जांच करदे करदे वह गड्डी दा भी पता लगा लिया कि वह कार कित्थों तैयार हो के आई सी, वह यह भी पता लग गया कि वह बंब किहने फिट कीता सी, ते दोषी अजे तक कुछ नामजद नहीं किए गए। SIT बना के इसकी जांच होनी चाहिए है, ता जो मतलब हर बार यही कहा जाता है। तो मैं अज भी तो कल भी एक कोशिश की सी कि विधानसभा दे विच ये मंग रखा, ये गल रखा, तो इन्हों कंपेल करा कि श्रीमान जी 2019 दोबारा चोणा आ रही है, साढ़े हल्के मौड़ दे विच दहशत है, ये दहशत का माहौल है कि कित भी कट्ठे ना हो, कि 2017 वगू कि बंब ही ना चल जाए। इसलिए अज असी मैं फिर खड़ा होया ये बहस कराने लई इस मुद्दे नूं, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, पंजाब दा इको एक बड़ा मुद्दा है। आज सवेरे जलंधर दियां वख-वख थावां उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू अते पाक फौज मुखी बाजवा दे पोस्टर लगाए गए सन। उस तो बाद इन्हीं दिनों तो चुप बैठे कांग्रेसियां ने भी देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते अकाली दल दे पोस्टर शहर दे वख-वख थावां उत्ते लगाए।
बेअदबी मामले में एस आई टी वालों समेत सिंह सैनी नूं तलब किए जाने भगवंत मान ने कहा कि यह पहला ही इस गल नूं मन चुके हैं। मान ने कहा कि हुण तां वारी प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर बादल की होनी चाहिए है। मान ने यह भी कहा कि प्रकाश सिंह बादल ने जो कल प्रैस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ दे विच कीती उसके जरिए प्रकाश सिंह बादल लोगों नूं इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे ने। आप ही मन चुके ने पहला एफिडेविट दे के, ठीक है जी, 25 तरीक नूं तलब कर लिया। हुण वारी जिहड़ी है उह सुखबीर बादल ते प्रकाश सिंह बादल दी होनी चाहीदी है। प्रकाश सिंह बादल आपदे 80वें जिहड़े दहाका सी उहदे अंदाज़ 'च कल प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे सी, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे सी लोगों नूं कि तां जी राजनीति बदला लै रहे ने। राजनीतिक बदलाखोरी उदों हुंदी है जदों किसे झूठे बंदे ते, राजनीतिक जिहड़ी बदलाखोरी है उदों हुंदी है जदों किसे सच्चे बंदे ते झूठा परचा पा दो। कल बादल साहब कह रहे थे मैं गिरफ्तारी लिए तैयार हाँ, तो अज हूँ कांजले आए, कांजले कह रहे हैं भी एक ही गल हुई भी स्टेट जो कोई घटना होंगी है तो मुख्यमंत्री से परचा कर दो। हूँ जम्मू कश्मीर च एडा वड्डा मामला होया कि उत्थे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री दे देखो गल यह है बादल साहब ए नहीं करीदा हुंदा। मैनू पता थोड़ा यह बहुत ही चलाकी वाला अंदाज है, तुसीं आपदे पुत नूं बचाउंदे फिरदे हो। तुसीं इह कहा प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कि मैं कपड़े लैके आ गया है जी, मैनू फड़ लो जी जेल च लै जाओ, यह इहनां दा पुराना अंदाज है। पहलां जथेदारां नूं इह मगर ला लैंदे सी, हुण यूथ है इन्हां नूं सारा पता है, वट्सएप यूट्यूब है इन्हां नूं सारा पता है गल कित्थों शुरू हुई सी, कित्थे जाके मुक्की है, कौन जिम्मेवार है, ठीक है ना। और जे किते एस आई टी ने पूरी जिस तरीके नाल लगी हुई है इन्हां ते कोई पोलीटिकल प्रैशर ना पाया गया सरकार वल्लों, ये प्यो पुत ते सकंजा कसया गया, तां बादल साहब तुहानूं कपड़े लिजाण दी लोड़ नहीं आपदे घरों, दोषियां नूं जेल च ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦੀ ਤਿਆਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਦੱਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਸਾਰੇ ਫਰੋਡ ਫੇਕ ਪੈਨ ਪਲੈਂਡ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।